हेलो एवरीवन, ऑल माय सीए फाइनलिस्ट, राइट? अब तो बस आप एक स्टेप दूर हो एंड यू आर गोइंग टू अचीव योर एम. आई वुडन्ट कॉल इट अ ड्रीम बिकॉज लेटली हमने डिसाइड किया है ना कि हम इसको सपना बुलाएंगे तो वो सपना ही रह जाएगा. ये एक्चुअली हमारा मिशन है, एक्चुअली हमारा एम है, हमारा गोल है जिसे हमें अचीव करना ही करना है, राइट? सो यू आर जस्ट वन स्टेप बिहाइंड योर एम. एंड इस स्टेप को पार करने के लिए आई एम योर योर लॉ मेंटर सीए शिवांगी अग्रवाल. एंड आज के दिन हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करने वाले हैं. वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद आर वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर्स ऑफ सीए फाइनल लॉ, विच इज़ कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज. पेपर लगता डिफिकल्ट है, होता नहीं है, लगता बोरिंग है, सच में नहीं है. ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू इंजॉय दिस जर्नी थ्रू आउट. बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, स्पेशली द फाइनल लेवल्स. बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है. एंड जो भी आज तक आपने लॉ में पढ़ा है, मे बी यू आर नॉट वेरी वेल विद द बेसिक्स, वेरी वेल वर्स्ड विद द बेसिक्स, डजंट मैटर, राइट? ऑल दैट यू नीड टू नो आई एम गोइंग टू टेल यू राइट फ्रॉम दी स्क्रैच, ठीक है? तो अगर कुछ चीज़ें नहीं पता है, कुछ बेसिक्स कमज़ोर है, तो भी कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है. सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे. आई होप यू ऑल आर रेडी विद द जो थ्री मटेरियल्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ इन एवरी चैप्टर. फर्स्ट इज़ योर चार्ट बुक, राइट? तो ये हमारे चार्ट्स हैं. ऑफकोर्स यू शुड हैव देम हैंडी. क्या हमारा पढ़ने का तरीका होगा, आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग. दूसरी हमारी जो एक मेन बुक है, राइट, विच आई हैव डिज़ाइंड इन सच अ मैनर कि आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज लगेगी. यहाँ से आप एकदम आराम से लिख सकते हो, आराम से स्कोर कर सकते हो. देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल. इट इज़ गोइंग टू बी इन द मैनर विच इज़ सिंप्लीफाइड प्लस विच इज़ नॉट डिवॉइड ऑफ कीवर्ड्स. तो सारे के सारे कीवर्ड्स इनकॉर्पोरेटेड है, काफ़ी चीज़ें हाईलाइटेड है, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव अ क्वेश्चन बैंक. तो हम साइमल्टेनियसली इतने क्वेश्चंस कर लेने वाले हैं कि आपके लॉ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई क्वेश्चंस हमें नहीं पता होता है, हाउ डू वी प्रेजेंट आंसर्स, तो वो बिल्कुल रिजॉल्व हो जाएगी. दिस अटेम्प्ट आई हैव डिसाइडेड कि इतना लिखवाने वाली हूँ ना बच्चों से कि बच्चे कभी ये नहीं कह पाएंगे मैम लिखें कैसे, ठीक है? तो ऑफकोर्स जितना भी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, जितनी भी थाउजेंड्स ऑफ क्वेरीज आई हैव आंसर्ड इन दिस पर्टिकुलर बैच, आई हैव इनकॉर्पोरेटेड ऑल दोज क्वेरीज. तो हर एक स्टेप पे मुझे पता है कि बच्चों को कहाँ से किस लेवल का कन्फ्यूजन आता है. लॉ में जो लिखा रहता है ना, अब देखो लॉ पढ़ा रही हूँ तो लॉ में जो लिखा है आई कैन नॉट चेंज दैट. तो वो तो हम बता ही देते हैं, बट उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो बच्चों के मन में आती है. मैम ऐसा होता तो, ऐसा होता तो, सम फिक्शनल केस स्टडी, सम फिक्शनल स्टोरी विच इज़ नोवेयर रिलेटेड, कहीं पे भी उसका आंसर नहीं मिलेगा. पर फिर भी ऐसी चीज़ों को, ऐसे पॉइंट्स को हर टॉपिक पे इनकॉर्पोरेट करके आई एम गोइंग टू आंसर इट, राइट? तो आपके मन में क्वेरी जनरेट भी मैं करूँगी, उसको आंसर भी मैं करूँगी. एंड उसके बाद भी इन केस यू गेट एनी क्वेरी, आई एम टेलिंग यू 100 में से एक बार ऐसा होगा शायद आपको कोई क्वेरी आ जाए, 100 के 100 क्वेरीज आपकी रिजॉल्व हो ही जाएंगी. इस तरीके से हमारे कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस होने वाले हैं, राइट? इनफैक्ट एक स्टूडेंट ने मुझे अभी रिसेंटली मैसेज भी किया था, मैम अनडिस्चार्ज्ड इनसॉल्वेंट कौन पढ़ाता है अपने क्लास में? आई मीन इस लेवल की आपने हमें नॉलेज दी है कि ये कौन होता है, दैट इज़ ऑल्सो बींग समथिंग विच आई हैव टोल्ड टू माई स्टूडेंट्स, ताकि उनको जब वो क्लासेस करके निकले दे शुड फील कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्व्स, क्योंकि अब अगला कोई स्टेप नहीं है यार जहाँ पे सीखने वाले हो, ये लास्ट स्टेप है, राइट? तो एकदम प्रोफेशनल लेवल की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए. इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रैक्टिस ऑल्सो, आई वुड से. आप किस फील्ड में अपना करियर बनाओगे, वॉट इज गोइंग टू बी योर कोर एरिया, आई डोंट नो दैट, बट येस इफ यू एंटर इन टू अ प्रैक्टिस फील्ड देन दिस इज गोइंग टू हेल्प यू देयर ऑल्सो, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं, स्पेशली द प्रोविजन्स ऑफ फेमा, स्पेशली द प्रोविजन्स ऑफ कंपनी लॉ, अनडाउटेडली सेबी. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको हेल्प करती है. खैर, लेट्स स्टार्ट. वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट विद अ चैप्टर डायरेक्टली, ऑल्दो फाइनल लेवल पे मेरा मन यही करता है कि डायरेक्टली डायरेक्टर्स वाले चैप्टर पे टूट पड़ो और स्टार्ट कर दो. बट फिलहाल के लिए थोड़ा सा आपको मैं सब्जेक्ट का ओवरव्यू दूंगी, और उसके पहले लेट मी टेल यू सर्टन बेसिक्स.
आई नो यू ऑल नो बेसिक्स, आप सबको पता होगा बेसिक्स बिकॉज आप फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स हो यार, छोटे मोटे फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स नहीं हो कि आपको बेसिक्स नहीं पता होंगे, बट स्टिल आई बिलीव दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं हु डोंट टेक अप एनी गाइडेंस और क्लासेस एट द इंटर लेवल ऑल्सो, राइट, स्पेशली फॉर लॉ. तो कहीं ना कहीं आप खुद से इतने एफर्ट्स डाल के पढ़ते हो, बहुत अच्छे स्कोर्स भी लेके आते हो, बट जो इंट्रिकेट या माइन्यूट चीज़ें होती हैं वो मिस हो सकती हैं. सो आई एम गोइंग टू रिपीट दैट बेसिक्स ऑफ कोर्स इन अ वेरी ब्रीफ मैनर, बहुत छोटे से तरीके से मैं आपको एक बार क्विकली ब्रश अप करूँगी कि हाँ भाई हमारा लॉ क्या है, कैसे बनता है और हम क्या पढ़ने वाले हैं, राइट. सो लेट मी स्टार्ट विद दैट बेसिक्स एंड उसके बाद हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, हाउ आर आर क्लासेस गोइंग टू बी, and then we will start with our very first chapter. Fine, so it's going to be a long class. Take a deep breath and let's begin. सबसे पहली बात तो हम कर रहे हैं लॉ, क्योंकि हमारा पेपर क्या है, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज. तो दो तरीके के हमें लॉज पढ़ने हैं. सवाल ये उठता है कि लॉ क्या होता है, लॉ का मतलब क्या एक्ट होता है? नो, लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम एक्ट. लॉ एक वाइड टर्म है जिसमें एक्ट, नोटिफिकेशन, सर्क्यूलर, ऑर्डिनेंस सारी चीज़ें आ जाती हैं. एक्ट क्या है, एक्ट क्या होता है, वी ऑल नो हाउ एन एक्ट इज पास्ड, राइट. लॉ को अगर हम हिंदी में बोले तो इट्स कानून. हर एक चीज का हमारे देश में कानून बना हुआ है. कैसे हमारे देश में कानून बनता है या क्यों हमारे देश में कानून बनता है, अगर हम रोड पे ड्राइव कर रहे हैं, हम एक गाड़ी चला रहे हैं, अगर कोई कानून नहीं होता बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते, राइट. सो वी रियलाइज दैट टू लिव इन अ कंट्री, to live in a country, to live peacefully, we need some rules which should be followed by everyone. तभी हम शांति से सुकून से रह पाएंगे. तो उसके लिए लॉ बना, लॉ मतलब एक ड्राफ्ट बना कि हाँ ये नियम है, इसका पालन सबको करना पड़ेगा. अब ये नियम है, आपने बनाए मुझे पसंद नहीं आए, किसी और ने बनाए किसी और को पसंद नहीं आए, तो क्या करें? इंडिया तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो लॉ हम खुद बनाते हैं. अरे मैम आप ये क्या कह रहे हो, आज तक तो हमें पता था सरकार लॉ बनाती है, आप बोल रहे हो कि लॉ हम खुद बनाते हैं. यस, व्हाई? बिकॉज अल्टीमेटली यू नो दैट हमारा सबसे सुप्रीम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिलती है. पावर किसको मिलती है? लॉ बनाने की. पावर लॉ बनाने की मिली हुई है हम लोगों को. कैसे मैम? हर एक से तो नहीं पूछा जा सकता है घर घर जाके कि क्या आपको लगता है ये नियम ठीक है, क्या आप अप्रूव कर. तो आपने यस बोला, किसी ने नो बोला, फिर किसी ने यस बोला, फिर किसी ने नो बोला, फिर हम काउंट करेंगे. 130 करोड़ जनता, कितना काउंट करोगे और कितना लोगे? सेंसस तो ठीक से हो नहीं पाता है, हम कैसे ये कर पाएंगे? इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट. सो दैट्स वाई वी इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, राइट. लोकसभा जिसको हम हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, भाई हमारे ही तो रिप्रेजेंट किए हुए, हमारे ही तो इलेक्ट किए हुए रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं. तो वो जो वो बोल रहे हैं मतलब वही हम बोल रहे हैं, राइट. सो वी ऑल हैव टू इलेक्शंस, जो हम एक लोकसभा के लिए इलेक्शन करते हैं, एक हम अपनी लेजिस्लेटिव स्टेट असेंबली के लिए इलेक्शन करते हैं. एंड वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो भी हमारे राज्यसभा के पार्ट होते हैं, राइट. सो वी एम नॉट डिस्कसिंग ऑल दैट. लोकसभा, राज्यसभा, राइट, दे आर ऑल आर कॉल्ड एज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. एंड देन वी हैव प्रेसिडेंट. ये जो हमारा तीन ट्रायो है, दैट इज एक्चुअली द अथॉरिटी विच पासेस और विच अप्रूव्स एनी लॉ. तो कोई एक ड्राफ्ट कानून बना, कोई एक ड्राफ्ट बिल बना, उसको क्या किया जाएगा? पहले लोकसभा में अप्रूव कराया जाएगा, फिर राज्यसभा में अप्रूव कराया जाता है, एंड फाइनली इट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट गिव्स एन असेंट. तो ये जो ड्राफ्ट रूल होता है जिसको हम बिल कहते हैं, दैट बिकम्स एन एक्ट. एन एक्ट इज समथिंग व्हिच हैज टू बी फॉलोड बाय एवरीवन. एवरीवन मतलब अगर मेरे रेलेवेंस का, अगर मैं गाड़ी ही नहीं चला रही हूँ तो मुझे गाड़ी चलाने का नियम फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. अगर मैं कंपनी नहीं चला रही हूँ तो मुझे कंपनी का नियम फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, right? So I'm not going to follow how companies act us or what companies act tells me. I don't own a company, I have not formed a company, right? So agar hum us relevant category mein fall kar rahe hain, then we need to follow whatever rules have been made for us, right? Rules hamare act ke तहत hote hain. Act is a whole solution with respect to a certain thing, right? Jo bhi hai hamari cheez.
इसके अलावा हमारी छोटी छोटी बातें और भी आती हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, नोटिफिकेशन है, सर्कुलर है, ऑर्डिनेंस है, जब हमारा पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है, इमरजेंसी की सिचुएशन में हमें ऑर्डिनेंस पास करके भी कानून लाना पड़ता है, उस ऑर्डिनेंस को बाद में हम अप्रूव करा लेते हैं, तो बहुत सारी हमारी चीज़ें हैं धीरे धीरे करके लॉ के इतने टर्म्स हैं जो हमें समझने हैं। बिकॉज नाउ इफ समवन कम्स अप टू अस, सोचो आपका कोई जूनियर आए और आपसे बोले कि ये क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइजो क्या होता है, तो आप ब्लैंक नहीं होने चाहिए यार। यही तो ब्यूटी है सीए फाइनलिस्ट की, कि सीए फाइनलिस्ट के पास आए हो यार, अड़ोसी पड़ोसी वैसे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे 11th 12th में पढ़े आके पूछते, अरे मैं भैया से पूछ के आता हूँ, मैं दीदी से पूछ के आता हूँ, वो ना सीए कर रही है, तो ये वाली जो फीलिंग होती है इसकी रिस्पेक्ट बना के रखनी है, इसकी इज्जत को गिरने नहीं देना है। तो आपको हर एक वर्ड आई एम गोइंग टू एक्चुअली एक्सप्लेन यू कि क्या होता है इसका मीनिंग, ठीक है। बहुत ही छोटे से हमारे ये बेसिक्स थे जिसके बारे में आप लोगों को पता है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो लॉ नहीं बनाती है। आपको पता है अगर हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, उसमें जो मेंबर्स है, जो हमने इलेक्ट करके रिप्रेजेंटेटिव्स को वहाँ पे बैठाया हुआ है, दे आर नॉट रूलिंग पार्टी पीपल, वो रूलिंग पार्टी के सारे नहीं होते हैं। अगर मान लीजिए उसमें से जो मेजॉरिटी होती है वो रूलिंग पार्टी की होती है, राइट, तभी उनसे गवर्नमेंट बनी है। से फॉर एग्जांपल उसमें से कुछ लोग बीजेपी के हो सकते हैं, कुछ कांग्रेस के हो सकते हैं, कुछ और पार्टी के हो सकते हैं, राइट। हमने कहा कि इसमें से मेजॉरिटी लोग बीजेपी के हैं, तो उन्होंने अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म की है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल नहीं बना रही है। आप ये समझ पा रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल नहीं बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट नहीं बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, ये हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, एंड वी ऑल्सो हैव अ जुडिशियल बॉडी। जुडिशियल बॉडी मतलब हमारे कोर्ट्स, हमारे पूरा जुडिशियल सिस्टम, राइट, जो एक्चुअली हमारी एक्ट जो बनती है, लॉ जो बनता है उसको इंटरप्रेट करता है, वो बताता है कि अच्छा ये इशू लेके आए हो, नहीं नहीं देखो एक्ट के हिसाब से ऐसा है, इसका मतलब यही है, चलो तो फिर आपको सज़ा मिलती है, आप फ्री हो गए, तो वो इंटरप्रिटेशन वाला काम करते हैं, वो सज़ा वाला काम करते हैं, जुडिशियल जज करने वाला काम करते हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब हमारी गवर्नमेंट। एक्चुअली देखो कानून है, बना हुआ है, सरकार आई वो बोल रही हम देश चलाएंगे, हम देश चलाएंगे मतलब हम देश में पूरा ध्यान रखेंगे कि कानून ढंग से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम कानून बनाने के लिए नहीं आए हैं, कानून बना हुआ है, ठीक है, हो सकता है हर दिन नित नए कानून बन रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ये देश चलाने के लिए आए हैं, राइट। सो दिस इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। नाउ हाउ सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क्स एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, थ्रू इट्स डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, हर एक मिनिस्ट्री, हर एक डिपार्टमेंट्स की तरह ये काम करते हैं। तो हमारे पास एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, MCA। ये मिनिस्ट्री क्यों बनी है? कॉरपोरेट्स के अफेयर्स को हैंडल करने के लिए। इसकी हमारे पास वेबसाइट भी है, MCA.gov.in, जिस पे सारी फाइलिंग होती है कॉरपोरेट्स की। कॉरपोरेट मतलब क्या? कॉरपोरेट इज अ कंपनी बॉडी, कॉरपोरेट कंपनी भी होती है, LLP भी होती है, तो कंपनी प्लस LLP, एकदम ब्रीफ में समझो तो कंपनी प्लस LLP, ये दोनों बॉडी कॉरपोरेट कहलाते हैं, और इनको, इनके अफेयर्स को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिनिस्ट्री के पास है। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स रूल्स बनाती है, बोलती है कि ठीक है आपने कानून बता दिया कि ये करना है, ये कैसे करना है ये हम बताएंगे, क्योंकि हमारे सुविधा के हिसाब से, हमारे हिसाब से होना चाहिए। तो इनके पास पावर होती है रूल्स बनाने की, कि कैसे चीज़ें करनी है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। सो आई होप यू हैव गॉट दिस आइडिया इन माइंड दैट वी हैव थ्री बॉडीज, एक हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, एक हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, और एक हमारी जुडिशरी बॉडी होती है, राइट। सो लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कंप्राइजेज ऑफ लोकसभा, राज्यसभा प्लस द प्रेसिडेंट। वी हैव एग्जीक्यूटिव बॉडी व्हिच इज सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, इट इन्फोर्सेज लॉज, इट टेक्स केयर कि हाँ सारी चीज़ें ठीक से हों, और एक है हमारी जुडिशरी बॉडी या जुडिशियल सिस्टम, जो एक्चुअली लॉ को इंटरप्रेट करता है, जो एक्चुअली क्या करता है, लॉ को इंटरप्रेट करता है। अब सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कॉरपोरेट लॉ, राइट। कॉरपोरेट लॉ मतलब कॉरपोरेट से जुड़ा हुआ लॉ,
चलो ठीक है, आते हैं। पहले हम अपने सब्जेक्ट को भी समझ लेते हैं। आई होप दिस इज समथिंग व्हिच इज ऑल क्लियर। कॉरपोरेट लॉ में हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। वी कम हियर, दिस इज आवर सब्जेक्ट, कॉरपोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, पार्ट वन कॉरपोरेट लॉज एंड पार्ट टू इकोनॉमिक लॉज। पहले आपका सिलेबस थोड़ा और बड़ा था, लकीली इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड। दो इम्पॉर्टेंट और बहुत ह्यूज एक्ट्स, आई वुड से SCRA तो काफ़ी उसमें कंसेप्ट से काफ़ी इन डेप्थ चीज़ें इन्वॉल्व थी, बट दैट हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी आप SCRA या SurfSC के क्वेश्चंस देख ले, क्या पता आपके पास कोई मटेरियल हो, कहीं पे आप कुछ कंटेंट देख ले, तो मैम क्या करना है, तो उसकी फोटो खींच के OLX पे उसको बेच देना है, वो हमारे काम का नहीं है। ठीक है, नॉलेज बहुत अच्छी बात है, बट एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे क्योंकि बहुत कुछ है हमारे पास पढ़ने को। राइट, सो दोज टू चैप्टर्स हैव बीन डिलीटेड। तो आपका कोर्स क्या है, सुंदर सा, प्यारा सा, कंसाइज, छोटा सा कोर्स बन गया है। इट्स एक्चुअली नॉट लेंदी नाउ। पहले हम लोग बोल देते थे कि हाँ चलो लॉ का कोर्स बड़ा लेंदी है, बहुत कुछ याद करना पड़ता है, अब इतना लेंदी नहीं है। जैसे जैसे आप अंडरस्टैंडिंग गेन करोगे, वैसे वैसे आपको लगेगा कि अच्छा चलो इट्स सिंप्लीफाइड। ठीक है, हर एक चीज़ दिमाग में ऐसे मक्खन की तरह जाती जाएगी और याद होती जाएगी। नो नथिंग यू हैव टू, और आई वुड से इससे पहले कि मैं ये सब लाइंस बोलूँ ना आपको, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। जैसे आपने आई थिंक सुना होगा कि एक होता है इंसान और एक होती है इंसानियत। राइट, तो हम बोल सकते हैं कि ह्यूमंस आर बॉर्न इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस, बट ह्यूमैनिटी इज नॉट बॉर्न एवरीवेयर। लाइकवाइज हर घर में आपको पढ़ने वाले बच्चे मिल जाएंगे, पर सच में पढ़ने वाले बच्चे, अ ट्रू स्टूडेंट, यू विल फाइंड वेरी रेयरली। मतलब क्या मैम, हम सब झूठे स्टूडेंट्स हैं, हमको ऐसे, हमने प्रॉपर रजिस्ट्रेशन लिया, हमने प्रॉपर एडमिशन कराया, हम सब सच्चे स्टूडेंट्स ही हैं। देखो, सच्चा स्टूडेंट कौन होता है, जिसका फोकस नहीं हटता है, हु इज डेडिकेटेड, हु हैज अ पैशन टू लर्न, टू अचीव हिज और हर गोल। क्या आपके पास वो पैशन है? हर एक चीज जो आपको लगता है ना, जैसे सोशल मीडिया विल अट्रैक्ट यू, स्क्रॉलिंग योर फोन टिल लेट नाइट 2 बजे तक बड़ा आसान है, ट्रस्ट मी बड़ा आसान है, पर वो लेट नाइट 2 बजे तक स्क्रॉलिंग थ्रू योर पेजेस ऑफ योर बुक इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। आपको वो वाला ट्रू स्टूडेंट बनना है। ट्रू स्टूडेंट का फोकस कभी भी शिफ्ट नहीं होता है। आप हो सकता है बाद में जाके ऐसा सोचो कि अरे मुझे तो याद नहीं होता है चीज़ें, उसको तो याद हो जाता है। डोंट कंपेयर योर सेल्फ, हर एक की जर्नी अलग होती है, हर एक की प्रॉब्लम्स अलग होती हैं। राइट, आप किसी और से कंपेयर करना आज से ही अपने आप को छोड़ दीजिए, एंड यू बी अ ट्रू स्टूडेंट। हर दिन आप सोचो कि मुझे सीखना है, मेरे अंदर वो लगन होनी चाहिए सीखने की, देन ओनली आई कैन लर्न। दिस इज गोइंग टू बी अ जर्नी ऑफ आर्स टुगेदर। सिर्फ आपके एफर्ट्स काम नहीं करेंगे, सिर्फ मेरे एफर्ट्स काम नहीं करेंगे, हमारे कंबाइंड एफर्ट्स होने चाहिए। मैम हमें क्या करना होगा, हर एक चीज़ मैं बताऊंगी कि आपको क्या करनी है, बस वो फॉलो करना है। ठीक है, तो आपका आज से एक फर्ज है, इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलो वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, बस इतना करना है। ट्रस्ट मी, आपसे सक्सेस दूर नहीं होगी, बस इतना करना है। ठीक है, सो यू हैव टू जस्ट फॉलो वॉट एवर आई एम टेलिंग यू। मैंने बोला लिखो तो लिखो, ठीक है, मैंने बोला ये पढ़ो तो पढ़ो, मैंने बोला कि ये रिवाइज करो तो रिवाइज करो, ये मत सोचो कि मुझे कितना दिमाग में जा रहा है और कितना नहीं जा रहा है। ठीक है, बस वो करो, एंड ऑलवेज मेंटेन दैट फोकस। ठीक है, तो क्लास में पूरा अटेंटिव रहना है, पूरा फोकस मेंटेन करना है। ठीक है, एंड हम क्लास स्टार्ट करेंगे, बट एक वादा आपको मुझसे आज के आज करना है कि जो भी मैं बोलूंगी वो आपको करना ही करना होगा। ठीक है, बस आपको यही करना है यार, सोचो ना कितना सिंपल है, बस फॉलो करते जाओ। और उसके बाद फिर आप मुझसे बोलना ना कि मैम ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तब हम बात करेंगे कि क्या नहीं हुआ बताओ। राइट, चलो
हमारा जो सब्जेक्ट है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक कॉरपोरेट लॉ और एक इकोनॉमिक लॉज। इकोनॉमिक लॉज में हमारे पास सिर्फ इतने से टॉपिक बचते हैं, IBCB हमें पूरा नहीं पढ़ना है, हमें इनफैक्ट कुछ भी पूरा नहीं पढ़ना है, उससे कुछ कुछ पोर्शन सब में से हटा ही हुआ है। सो FEMA है, PMLA दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, FCRA फॉरन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, IBC एवर सो फेमस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट, ये पूरा का पूरा हमारा आता है 30 मार्क्स का, इंक्लूडिंग MCQs, राइट। कॉरपोरेट लॉज हमारा अगेन दो सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए कंपनी लॉ विच इज ह्यूज, एंड वी हैव सिक्योरिटीज लॉ SEBI एक्ट। तो आप कह सकते हो कि SEBI एक्ट और लोडेड रेगुलेशंस मिला के आपसे 7 से 8 नंबर का अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चन पूछता है, तो बाकी 70 मार्क्स, ऑलमोस्ट 60-65 मार्क्स यू कैन से, ये आपके इसी पार्ट के हैं, कंपनी लॉ विच इज कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट एक ऐसी चीज है जो पहले भी पढ़ी हुई है, राइट। कंपनीज एक्ट तो घोल घोल के बहुत पी है हमने, फाउंडेशन लेवल पे चिंगारी लग जाती है और इंटर पे तो एक्चुअली आधी आग लगी चुकी हुई है। ऑडिट एंड ऑडिटर्स के चैप्टर तक, राइट, दैट इज सेक्शन नंबर 148 तक हमने कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है, सो वी हैव एन आइडिया व्हाट इज कंपनी लॉ एंड ऑल दैट, राइट, थोड़ा थोड़ा आइडिया है। अब हमें पढ़ना है एडवांस्ड लेवल, तो अब हमारे जो सेक्शंस हैं, प्रोविजंस हैं, थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेट होने वाले हैं, पर बड़ा मज़ा आएगा, राइट। हमें आसान चीज़ें पसंद का है यार, हम CA कर रहे हैं, आसान चीज़ें अगर हमें पसंद होती तो डेफिनेटली हम CA तो नहीं कर रहे होते। तो जब हमें हमारी पसंद ही ऐसी है कि हमें डिफ़िकल्टीज़, हमें मुश्किल चीज़ें पसंद हैं, हमें ईजी रास्ते नहीं पसंद है, तो कठिन रास्ते पर आप चल चुके हो, चल पड़े हो, राइट। अब देर इज़ नो टर्निंग बैक एंड यू जस्ट हैव टू गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, राइट। सो आई थिंक इतनी बातें क्लियर हैं कि क्या है हमारा सब्जेक्ट, कैसे हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसके बाद बिफोर वी स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, सेक्शन नंबर 149 से 172 तक हमारा पहला चैप्टर आता है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। और दो डायरेक्टर्स के सारे पार्ट्स को हमें क्लब करके ही पढ़ना पड़ेगा, बट ये जो हमारा चैप्टर है इसको पढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें। कंपनी लॉ हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज कंपनीज एक्ट हम बेसिकली इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें एक चीज व्हिच यू मस्ट नो, अथॉरिटीज। हमारे पास ROC होता है, हमारे पास रीजनल डायरेक्टर होता है, हमारे पास NCLT होता है, हमारे पास NCLAT होता है, और हम फाइलिंग करते हैं MCA.gov.in पे, विच इज़ नथिंग बट एन ऑनलाइन पोर्टल, और कुछ नहीं है, ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ROC मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। जब हम कंपनी बनाते हैं, सेंट्रल रजिस्ट्री सेंटर से हमारी कंपनी बन के आती है, और अलग अलग ROC, हर स्टेट में एक ROC होती है। वी हैव टू स्टेट्स जहाँ पे दो ROC हैं, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। मान लीजिए आई एम अ कंपनी व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में मैंने कंपनी बनाई है, मेरी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से जुड़े हुए सारे डिटेल्स ROC उत्तर प्रदेश के पास होंगे। नाउ फिजिकल चीज़ें सब हट चुकी हैं, तो अब हमारे पास क्या है, सारी चीज़ें ऑनलाइन है, राइट। सो ऑनलाइन ही हम फाइलिंग करते हैं, कुछ भी हमें करना होता है तो हम वेबसाइट पे जाके फाइलिंग करते हैं, एंड हमारी कंपनी से जुड़े हुए रिकॉर्ड्स कहाँ जाते हैं, हमारी ROC के अंडर। वो ज्यूरिसडिक्शन है, डिवाइडेड है बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल एरिया, उस एरिया के अंदर जितनी कंपनीज आती हैं उन सारे के रिकॉर्ड्स कहाँ रहेंगे, ROC उत्तर प्रदेश के पास। ROCs के ऊपर आता है रीजनल डायरेक्टर व्हिच सुपरवाइजेस डिफरेंट ROCs, राइट। तो रीजन, एक रीजन बेस्ड हमारे पास हेड होता है, तो कई बार हमें उनसे भी परमिशंस कुछ लेनी पड़ती है। देन वी हैव NCLT एंड NCLAT विच आर बेसिकली जुडिशरी अथॉरिटीज़ अंडर कंपनीज एक्ट।
तो जैसे कोर्ट्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे स्पेशल जुडिशियल पावर्स दी हुई हैं किनको, इन अथॉरिटीज़ को बनाया गया है, इनका कॉन्स्टिट्यूशन भी हम पढ़ेंगे। इंटर लेवल पे आपने बस एनसीएलटी एनसीएलटी सुना है, अब आप एक्चुअली इनको पढ़ोगे और जानोगे, राइट? सो यू नीड टू नो कि इतनी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी व्हेन वी आर रीडिंग अबाउट कंपनी लॉ। ओके, आई थिंक दैट्स क्लियर। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आर चैप्टर, द वेरी फर्स्ट चैप्टर, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट विद द प्रोविजन अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, चैप्टर नंबर 11 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें कि सेक्शन नंबर 149 से लेके सेक्शन नंबर 172 तक है, बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है? एक एक करके हम सेक्शंस भी पढ़ेंगे, ऑफ कोर्स नॉट इन द सेम सीक्वेंस, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, बट टू मेंटेन दैट फ्लो, ताकि हमें सारी चीज़ें समझ में आए, हमने उसी हिसाब से अपनी बुक को भी डिज़ाइन किया हुआ है। नाउ बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट विद इट, कुछ बेसिक्स, क्योंकि हम ऐसे सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ेंगे, इसमें ये है इसमें वो है, तो मज़ा नहीं आएगा ना, थोड़ा सा तो समझना चाहिए क्या क्यों कैसे हो रहा है। तो समझो पहले डायरेक्टर होता कौन है, क्योंकि हम उनको अपॉइंट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं उनके क्वालिफिकेशन, सो वी मस्ट नो हु इज़ अ डायरेक्टर। बहुत बहुत मेहनत करनी वाली है, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, नोट हो या डिग्री, दोनों को कमाना पड़ता है, ऐसे ही कुछ भी नहीं मिलता है, राइट? सो यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स राइट फ्रॉम द स्टार्ट। मैं इतना ज़्यादा ये क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज आपके ये ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिन पे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाना है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो यू हैव टू मेक इट वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब कहीं से भी घुमा के कैसा भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए, हम तो फोड़ देंगे, ऐसी वाली फीलिंग होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग से एकदम फोकस मेंटेन रखना। जैसे अगर कोई साइंस का स्टूडेंट होगा ना, तो उसको समझ में आएगा, साइंस का मतलब अभी साइंस का नहीं, जैसे होता है ना क्लास टेंथ तक हमने पढ़ा और फिर उसके बाद इलेवेंथ ट्वेल्थ में हमने कॉमर्स लिया, तो क्लास टेंथ तक जिन बच्चों के बेसिक्स बड़े वीक चल रहे होते हैं, अरे क्या हो रहा है फिजिक्स में केमिस्ट्री में, कुछ समझ नहीं आता है, अचानक वो जब इलेवेंथ में कॉमर्स लेते हैं ना, बहुत शाइन करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं, टीचर्स भी हैरान परेशान हो जाते हैं कि बच्चा अचानक इतना तेज कैसे हो गया। Why? Because वो टेंथ तक क्या कर रहा था, उसके बेसिक्स बिगड़ चुके थे, अब बिगड़ते 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 टेंथ तक कितने बिगड़ेंगे, इलेवेंथ में एक फ्रेश कंसेप्ट मिला। सो यू ऑल आर नाउ फ्रेश माइंड्स, फ्रेश ब्रेन है आपके पास, एक फ्रेश कंसेप्ट आपको दिया जा रहा है, बेसिक्स मत बिगाड़ना, बस एकदम अच्छे से समझना, ताकि आगे एकदम रॉक करो, ठीक है? चलो, सबसे पहली बात, डायरेक्टर्स होते कौन है, राइट? वी हैव द सेक्शन समरी गिवन ओवर हियर, बट बिफोर दैट वी विल रीड अबाउट डायरेक्टर्स। सेक्शन 2 क्लॉज 34 कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 में हर एक वर्ड की डेफिनेशन दी हुई है, वहाँ पे हमें 34 क्लॉज नंबर में डायरेक्टर्स की भी डेफिनेशन मिलती है। वी ऑल नो, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं टीचर बन गई, कोई ड्राइव कर रहा है वो ड्राइवर बन गया, कोई डायरेक्ट कर रहा है वो डायरेक्टर बन गया, क्या ऐसा होता है? यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड टू रिमेंबर ओवर हियर इज द वर्ड अपॉइंटेड। आप कितना ही डायरेक्शन दे रहे हो, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये ऐसा करो वो वैसा करो वो वैसा करो, कंपनी में ये ऐसा होगा वो वैसा होगा, नो, देयर इज नो कंसेप्ट एज डीम्ड डायरेक्टर, कि हाँ उसको डायरेक्टर मान लिया जाएगा। वो कितना भी डायरेक्टर वाला काम कर रहा हो, उसको डायरेक्टर नहीं माना जाएगा। डायरेक्टर हम बोलते हैं उस पर्सन को जिसको अपॉइंट किया जाता है एज डायरेक्टर। अभी भी आपको शायद पूरा मतलब नहीं समझ में आया होगा, बिकॉज वी विल फर्स्ट डिस्कस द नीड। डायरेक्टर की डेफिनेशन छोड़ के डायरेक्टर का मीनिंग समझे तो हमें पता चलेगा कि डायरेक्टर का मीनिंग होता है वो इंसान जो कंपनी को मैनेज कर रहा है। अब कंपनी को बहुत लोग मैनेज कर सकते हैं, हर किसी को तो हम डायरेक्टर नहीं बोलते। हाँ, हम डायरेक्टर उसको बोलते हैं जो डायरेक्टर की तरह अपॉइंट हुआ हो। अब डायरेक्टर की तरह अपॉइंट होकर वो करता क्या है, वो कंपनी को मैनेज करता है।
मैम कंपनी को मैनेज करने की क्या जरूरत है भाई? देखो कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, एक बिल्डिंग है, एक पेपर पे डॉक्यूमेंट, एक लीगल एंटिटी है जो नई बन गई है। क्या देख सकती है, क्या सुन सकती है, क्या बोल सकती है? तो कंपनी के पास कोई आया, सर सर हमें क्या चाहिए, हमें 5 किलो हैवी मशीनरी चाहिए। 5 किलो की कौन सी हैवी मशीनरी आती है? 500 किलो की हैवी मशीनरी चाहिए एक, ये कंपनी बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है हैवी मशीनरी, 500 किलो वाली जो हैवी मशीनरी है हमको वो चाहिए। कंपनी क्या बोलेगी, रेट कोट करेगी? कर पाएगी? बोल नहीं पाएगी। लिख पाएगी? लिख के भी नहीं कर पाएगी। तो कैसे करेगी, क्या ले जा पाएगी, क्या दिखा पाएगी मशीनरी? कुछ भी नहीं कर पाएगी। कंपनी कैन नॉट डू एनीथिंग, कैन नॉट डू एनीथिंग। तो कंपनी कैसे चलेगी? बिकॉज हमने कंपनी तो बना ली है, इसके अंदर हम बिजनेस कर रहे हैं क्योंकि हमें कंपनी के फायदे मिल रहे थे, हमें अपना बिजनेस अलग, कंपनी अलग, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, बड़े सारे फीचर्स होते हैं, बड़े सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, इसलिए हमने कंपनी तो बना ली। अब कंपनी चलेगी कैसे? कंपनी को चलाने वाला चाहिए। मैम हमने इसमें पैसे डाले हैं, राइट? हमने इसमें पैसे डाले हैं, हमने एक पब्लिक कंपनी बनाई थी तो हम 7 लोगों ने मिलके इसके मेमोरेंडम पे साइन किया था, सब्सक्राइब किया था कि हम ये कंपनी बना रहे हैं, और जब ये कंपनी बन गई हम 7 लोगों ने शेयर्स लिए हुए हैं एंड वी हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनी। हमने इस कंपनी को पैसे दिए हैं 1-1 लाख रुपए ईच, 7 लाख रुपए हमारा इस कंपनी में लगा है, उसके अगेंस्ट हमने शेयर लिए, वी आर द शेयर होल्डर्स एंड 7 लाख रुपीज इज द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक बात है, तो हम ही चला लेते हैं ना कंपनी को। आप बिल्कुल चलाओ, किसने रोका है आपको? आप बिल्कुल चलाइए कंपनी को। आपके पास अगर फ्री समय है, बहुत सारा खाली समय है, और आपको लगता है कि आपने बिजनेस, अरे आपने कंपनी बनाई है तो आपने चलाने के लिए बनाई है, अगर आपके पास समय है तो आप बिल्कुल चलाइए। मिस्टर मुकेश अंबानी वो कंपनी चला रहे हैं, चला रहे हैं कि नहीं चला रहे? उन्होंने कंपनी बनाई, वही कंपनी चला रहे हैं, चला सकते हैं। पर सोचो, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, आई एम ऑल्सो अ शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मैंने भी शेयर्स खरीदे हुए, मैंने भी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को पैसा दिया है, उनसे शेयर्स लिए हैं। क्या मैं जाऊं कंपनी चलाने? घुसने नहीं देंगे यार मुझे कंपनी के अंदर, बोलेंगे हो कौन आप, और यहाँ क्या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठना है? कंपनी की बोर्ड मीटिंग चल रही है, डायरेक्टर, अच्छा, आपको डायरेक्टर बनना है क्या? आप समझो मेरी बात, राइट? अभी डायरेक्टर का तो खैर कंसेप्ट और वर्ड हम लेके ही नहीं आ रहे हैं। द होल पॉइंट इज, इफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज थाउजेंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स, वो सारे के सारे आ जाए, हम कंपनी चलाएंगे। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, राइट? बहुत सारे लोग एक काम कर ही नहीं सकते हैं, तो हमने कहा एक सेग्रीगेशन करते हैं। ठीक है, आपने पैसा लगाया है, पर हो सकता है आप कंपनी चलाने के लिए या तो सक्षम नहीं हो या आपके पास टाइम नहीं हो। अगर आपके पास ये दोनों है, आप खुद को डायरेक्टर बना लीजिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो स्टे एज द शेयर होल्डर ओनली, राइट? अगर आप शेयर होल्डर ही रहते हो तो कंपनी में किसी को लेके आइए जो कंपनी को मैनेज करे, मतलब आप एम्प्लॉय की तरह हायर करना है, काइंड ऑफ द डायरेक्टर्स आर बींग हायर्ड, द डायरेक्टर्स आर बींग हायर्ड, सम पीपल आर बींग हायर्ड टू गिव डायरेक्शन टू द कंपनी, टू मैनेज द कंपनी, दे आर डायरेक्टर्स। सो हम किसी को भी अपॉइंट करते हैं एज अ डायरेक्टर, उसको हम डायरेक्टर बोलते हैं। इसमें आपसे कभी कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड द ट्रू मीनिंग। ठीक है, तो समझ में आया मैम, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी को मैनेज करने के लिए हमें कोई चाहिए, शेयर होल्डर्स मैनेज नहीं कर सकते क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और दूसरी बात हो सकता है उन्होंने सिर्फ पैसा लगाया, उनके पास कॉम्पिटेंसी, टाइम ये सब ना हो, तो हमें कोई पर्सन चाहिए जो कंपनी को मैनेज कर सके, इसलिए हम डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। प्लस दैट वॉज रीजन नंबर वन। रीजन नंबर टू, क्योंकि भाई हमने कंपनी बनाई है, हमने सिलेक्ट किया है कंपनी, बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा कंपनी है, हर वो काम जो हम करेंगे दैट हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, और कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 149 में बोला गया है डायरेक्टर तो भाई अपॉइंट करना ही पड़ेगा।
करना ही पड़ेगा, वॉज इट लाउड, डायरेक्टर तो अपॉइंट करना ही पड़ेगा। कैसे भी आप कंपनी बना लो, प्राइवेट बना लो, पब्लिक बना लो, ओपीसी बना लो, कुछ भी बना लो, सेक्शन थ्री के हिसाब से तीन तरीके की कंपनी बन सकती है, प्राइवेट, ओपीसी, पब्लिक, कोई भी बना लो, डायरेक्टर तो अपॉइंट करना ही पड़ेगा। पूरे कंपनीज एक्ट में बताया गया है ये काम डायरेक्टर करेगा, ये काम डायरेक्टर नहीं कर सकता है। सो द होल कंपनी इज स्टिल बीइंग मैनेज्ड बाय दीज टू सेट ऑफ पीपल। वन इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु एक्चुअली मैनेज डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी और सब चीजों को मैनेज करते हैं, पर फिर भी इनको सारी पावर नहीं दी है। आप सारी पावर देते हो क्या? आपका बिजनेस है, मान लो आपने एक एम्प्लॉय को हायर किया, तो आप उसको सारी पावर दे दोगे, बोलोगे ये सब काम तुम कर सकते हो, ये काम करना है तो पहले मुझसे पूछना। वैसे कंपनीज एक्ट ने भी कहा ये सब काम कर सकते हैं, बट ये काम करना है तो पहले शेयर होल्डर्स से पूछना। शेयर होल्डर्स को हम काफ़ी टाइम रेफर कर देते हैं एज द ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे आर नॉट एक्चुअली द ओनर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, दे आर इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, दे हैव इन्वेस्टेड द मनी इन द कंपनी, दे आर नॉट ओनर्स। व्हाई? बिकॉज कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी एक अलग एंटिटी है ना, और ये अलग है, आपका कोई प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होना है कि मैं ओन करती हूँ, ठीक है, बट काइंड ऑफ, खैर उतनी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। गॉट द आइडिया व्हाई डायरेक्टर्स आर नीडेड? तो सबसे पहले हम आते हैं व्हाई डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स हमें चाहिए टू टेक डिसीशंस। डिसीशन मेकिंग पावर्स आप देखोगे कंपनीज एक्ट 2013 में दो लोगों के हाथ में है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर अकाउंटेबल टू मेंबर्स एंड कैन ऑल्सो डेलीगेट देयर फंक्शंस। फर्दर मोर सेक्शन 149 प्रिस्क्राइब्स द रिक्वायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। तो हमें पता चल गया कि हमें डायरेक्टर्स की ज़रूरत है। अब डायरेक्टर्स होते कौन हैं? एक्चुअली वो कंपनी को मैनेज करने वाले इंडिविजुअल्स होते हैं। एक वर्ड मैंने बोला है यहाँ पे, इंडिविजुअल्स, जिसकी इंपॉर्टेंस अभी आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगी। अदरवाइज सिंपल चीज, डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड। अ पर्सन विल बी रिगार्डेड एज डायरेक्टर ओनली इफ ही इज अपॉइंटेड, ओनली इफ ही इज अपॉइंटेड नॉट बाय बोर्ड बट अपॉइंटेड टू बोर्ड, ठीक है। बोर्ड उसको अपॉइंट नहीं करता है, ही इज अपॉइंटेड इन द जनरल मीटिंग। सब चीज़ें आप पढ़ोगे धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो सारे काम आप कर रहे हो डायरेक्टर के, पर आपको डायरेक्टर की तरह अपॉइंट नहीं किया गया है, तो आप डायरेक्टर नहीं कहला सकते हो, ठीक है। अब लेट्स से ये एक पर्सन को हम डायरेक्टर बोलते हैं, एंड कलेक्टिवली जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं किसी कंपनी में, इनको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो द कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स इज नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर बोर्ड, या फिर सिर्फ डायरेक्टर्स, ठीक है। जितने भी डायरेक्टर्स हो, जैसे वन पर्सन कंपनी में सिर्फ एक भी हो तो भी चलेगा। अगर मान लीजिए एक पब्लिक कंपनी है जिसमें पांच डायरेक्टर्स है, तो पांच डायरेक्टर्स के पास कलेक्टिव पावर होती है डिसीजन मेकिंग की, किसी एक डायरेक्टर के पास कोई पावर नहीं होती है, ठीक है। अगर कंपनी में एक ही डायरेक्टर है तो वो ही कलेक्टिव बॉडी है, दैट डायरेक्टर इज एज गुड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो द बोर्ड हैज पावर्स, एन इंडिविजुअल डायरेक्टर डज नॉट हैव पावर, ठीक है। व्हाई डायरेक्टर्स आर ऑल क्लियर टू यू? इतनी बात समझ में आ गई हमें, ठीक है। तो मीनिंग क्या होता है डायरेक्टर्स का, हमें ये समझ में आ गया। क्या ज़रूरत है डायरेक्टर्स की, हमें ये भी समझ में आ गया। कौन डायरेक्टर बन सकता है? वो पर्सन जो डिसक्वालिफाइड ना हो अंडर सेक्शन 164 एंड होल्डिंग बिल। जैसे अगर मैं बात करूं कि आई वुड से हु कैन बिकम अ ड्राइवर, द वन हु होल्ड्स अ लाइसेंस। जिसके पास लाइसेंस होता है वही ना ड्राइवर बन सकता है। ऐसे ड्राइव करने को तो कोई भी कर लेता है, बट सच में हम उसको नहीं बोलेंगे ना। तो वैसे ही जिसके पास डिन होता है, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो डायरेक्टर बन सकता है। जैसे अगर हमारे पास पैन नहीं है तो हम फाइलिंग नहीं कर सकते, हमारे पास पैन होना मैंडेटरी है, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे डिन होना मैंडेटरी है, तभी आप डायरेक्टर बन सकते हो। ग्रेजुअली वी विल रीड अबाउट इट।
ये लोग क्या करते हैं डायरेक्टर, इनकी ड्यूटीज़ दी हुई हैं सेक्शन नंबर 166 में, इनको क्या सैलरी मिलती है, इसके लिए हमारा सेपरेट चैप्टर है, राइट? जस्ट लाइक वी हैव चैप्टर नंबर 11 विच इज़ फॉर अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, वी हैव चैप्टर नंबर 13 विच इज़ अबाउट मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन एंड ऑल दैट। बहुत सारे तरीके के आप डायरेक्टर्स पढ़ोगे, ये एक्चुअली टाइप्स ऑफ डायरेक्टर नहीं है, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर तो अभी मैं पढ़ाऊंगी, बट ये डिफरेंट डिफरेंट नाम आप पढ़ते हो। डायरेक्टर हम कैसे बनते हैं, हम खुद बोल सकते हैं मुझे डायरेक्टर बनना है, यहाँ भी कोई रेफर कर सकता है, अरे शिवांगी मैम को अपॉइंट कर लो ना एज अ डायरेक्टर, आपकी कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, समवन कैन रेफर मी ऑल्सो। हम एक बार कंपनी में अगर डायरेक्टर बन गए तो क्या हम जीवन भर के लिए बनते हैं? नहीं, वी कैन रिजाइन, वी कैन बी रिमूव्ड, हम ऑफिस ऑफ डायरेक्टर वेकेट कर सकते हैं, सारी चीज़ों के ग्राउंड्स हमें लिखे हुए हैं, राइट? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 10 में, व्हिच स्टेट्स दैट इट इज़ अ कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स। चैप्टर 11 हम पढ़ रहे हैं जिसमें इतने सेक्शंस हैं, एंड इट इज़ रेड विद कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014। तो जहाँ पे भी मैं बोलूँगी रूल 3, रूल 4, वहाँ पे मतलब ये रूल्स हैं, ये रूल्स हैं। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, वन मोर थिंग, आप पढ़ रहे हो एक्ट प्लस रूल्स ऑब्लिक नोटिफिकेशन ऑब्लिक सर्कुलर प्लस केस लॉज। एक्ट आपकी बनाई है लेजिस्लेटिव बॉडी ने, दैट इज पार्लियामेंट ने, क्योंकि एक्ट पार्लियामेंट बनाता है, एक्ट में कोई भी चेंज लाने की जिम्मेदारी भी किसकी होती है? पार्लियामेंट की ही होती है, एंड उन्हीं के पास पावर है टू डू सो। तो जब एक्ट में कुछ बदलना होता है ना, तो अमेंडमेंट आता है, अमेंडमेंट बड़ा स्केयर करता है ना लोगों को, बच्चों को, खैर यू बी रिलैक्स्ड। अमेंडमेंट एक्ट आती है, अमेंडमेंट लेके आती है मेन एक्ट में, और वो एक्ट रिपील हो जाती है, ठीक है। रूल्स या नोटिफिकेशन या सर्कुलर, इनको बदलना बहुत इजी होता है, क्योंकि इसकी पावर किसके पास है? हमारी रनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो वो एमसीए क्या कर देते हैं, नया रूल निकाल सकते हैं, रूल को चेंज कर सकते हैं। एंड केस लॉज हमें जुडिशियल बॉडी से मिलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें मिला के हम हमारा कंपनी लॉ या कॉरपोरेट लॉ का जो कंपनीज एक्ट वाला पार्ट है वो पढ़ पाएंगे। कंपनीज एक्ट मतलब सिर्फ सेक्शन नंबर 149 से सेक्शन नंबर 172 ऐसा नहीं है, बहुत सारे रूल्स पढ़ने हैं, ठीक है। चलो ओके, नाउ एनदर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, अगेन इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, अभी तक मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं ना उन पर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आएगा, इसीलिए अभी तक हमने कोई क्वेश्चन डिस्कस किया भी नहीं है। हमारा पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे, इट रिलेट्स टू सेक्शन नंबर 149(1), ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन हम ये डिस्कस करने वाले हैं, तो अभी तक हमने वो पढ़ा ही नहीं है। वी आर सेटिंग अप द बैकग्राउंड, फ्रेमवर्क बना रहे हैं अभी हम चैप्टर ऑफ डायरेक्टर्स का, ताकि एकदम मक्खन की तरह हमें समझ में आता रहे। चलो, दो तरीके के डायरेक्टर्स होते हैं, एक होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और एक होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। एग्जीक्यूटिव मतलब जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है, मतलब मैम, मतलब उनको सैलरी मिलती होगी क्योंकि वो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है, दे विल डेफिनेटली गेट द सैलरी। मैम ये क्लासिफिकेशन क्यों, व्हाई इज देयर अ नीड टू क्लासिफाई दिस टाइप ऑफ डायरेक्टर्स जस्ट फॉर इज इन प्रिपेयरिंग लॉ? लॉ पूरा ड्राफ्ट करना होता है ना यार किसी को, तो हर किसी को थोड़ा तो वो करना पड़ेगा ना, ताकि वो एक सेग्रीगेट करके हमें समझ में आ पाए कि अच्छा इसको ये देना है, इसको ये नहीं देना है, क्योंकि ये इसका हिस्सा है तो इसको ये फ़ायदा होना चाहिए, इसको ये नहीं होना चाहिए। तो जस्ट एक क्लासिफिकेशन है जो हमें अपने दिमाग में रखना है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। वो डायरेक्टर्स जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में होते हैं उनको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, जो कंपनी पे समर्पित हैं भाई, वो वही काम कर रहे हैं,
वो पूरी कंपनी, उनकी कंपनी मतलब जी जान लगाई हुई है, और वो काम कंपनी के लिए कर रहे हैं, कंपनी के एम्प्लॉय की तरह कर रहे हैं। जब वो पूरी पूरे दिन मतलब मान लीजिए काम करेंगे कंपनी के, तो ऑफकोर्स उनको कंपनी के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी, दे विल हैव मोर नॉलेज, दे विल हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ ऑल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, बिकॉज दे आर द वंस हु आर हैंडलिंग कंपनी, हु आर इन टू द कंपनी, हु आर इन्वॉल्व इन द कंपनी एज एन फुल टाइम एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ठीक है, समझ में आई बात? एक होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, जो कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं है। मैम, जब एम्प्लॉयज नहीं हैं तो हम इनको हायर क्यों करते हैं? मतलब आप सोचिए, एक कंपनी है, कंपनी में मैंने आपको एम्प्लॉय की तरह हायर किया, आप मेरा काम कर रहे हैं, आप बोल रहे हो ये एम्प्लॉय नहीं है तो आप हायर क्यों करोगे? अरे यार, दो तरीके से आप काम कराते हो कि नहीं कराते हो, एक फ्रीलांसर की तरह काम कराते हो, बहुत सारे लोगों से कराते हो। जैसे कभी कभी मुझे काम होता है, मान लो मुझे कोई एक एनिमेटेड वीडियो बनवाना है, ठीक है, मुझे पता है ये डेली बेसिस पे मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैंने कोई एम्प्लॉय नहीं रख रखा है, मैंने क्या किया, एक फ्रीलांसर को हायर किया, जब जब ज़रूरत होती है तब तब मैं वो काम करा लेती हूँ। राइट? आप कराते हो कि नहीं कराते हो? ऐसे करा सकते हो ना। तो वी कैन से इन अ वे दैट दीज आर होल टाइम डायरेक्टर्स, फुल टाइम यही 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 करते हैं, और ये होते हैं पार्ट टाइम डायरेक्टर्स, मतलब हर समय ये नहीं करते हैं, कह सकते हो। ठीक है, तो पार्ट टाइम डायरेक्टर्स है मैम, तो इनको सैलरी नहीं देते हैं क्या हम लोग? देखो, कुछ तो देना पड़ेगा, काम करा रहे हो तो कुछ तो देना पड़ेगा ना, तो इनको हम सैलरी वर्ड नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉय को हम सैलरी देते हैं, एम्प्लॉय को हम रेम्यूनरेशन देते हैं ना, तो हम इनको सैलरी तो नहीं बोल सकते, तो कहीं ना कहीं हम इनको बोल देते हैं कि हम इनको कमीशन देते हैं, हम इनको कमीशन देते हैं, हम इनको सैलरी देते हैं। ऑल दो इनको भी हम देते हैं महीने के महीने ऐसे ऐसे कुछ 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 देते रहते हैं, बट फिर भी हम इनको सैलरी वर्ड यूज नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉट एम्प्लॉयज। ठीक है मैम, समझ में आया? मैम, क्या ये हमारे यहाँ कुछ भला कर पाते होंगे? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। यहाँ पे आप एक वर्ड पढ़ोगे, एग्जाम्पल, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में अभी भर भर के चीज़ें पढ़नी है आपको, और ये एक बहुत ही गहरा डीप कॉन्सेप्ट है। सुना होगा आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स हु आर नॉट डिपेंडेंट, हु हैव देयर ओन ओपिनियन विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंपनी, हु हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव, हु हैव देअर एक्सपर्टीज, हु हैव देअर इमेंस नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, पर हम बोलते हैं आ जाइए ना सर, अगर आप आ जाएंगे कभी कभी इस कंपनी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगे तो ये कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, मतलब आपने तो कितनी चीज़ें अचीव की है, थोड़ा सा आके हमारे ऊपर भी कृपा बरसा दीजिए। तो वो क्या है, कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं हैं पर कभी कभी आते हैं और डायरेक्शन देते हैं, मैनेज करते हैं, दे आर ऑल्सो अपॉइंटेड टू द बोर्ड, दे आर नॉट एम्प्लॉयड, दे आर ऑल्सो अपॉइंटेड टू द बोर्ड। जो बोर्ड है मतलब जो कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स है, उसमें से एक उनको भी अपॉइंट किया गया है, ऑल दो ही इज नॉट अपॉइंटेड एज एन एम्प्लॉय और एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ही इज अपॉइंटेड एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, तो अभी के लिए हमारे लिए इतना काफ़ी है इस डिफरेंस को समझना कि वो डायरेक्टर्स जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में होते हैं उनको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, उनके पास कंपनी के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होती है, होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, एक्टिव पार्ट लेते हैं, एग्जाम्पल मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर। वो डायरेक्टर्स जो एम्प्लॉयमेंट में नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस, इन डेप्थ नॉलेज, इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव होता है, वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं होते हैं, वो मीटिंग्स अटेंड करते हैं, मीटिंग्स मतलब बोर्ड मीटिंग्स। एंड दे कंट्रीब्यूट बाय गिविंग अनबायस्ड ओपिनियन टू द वर्किंग ऑफ द कंपनी। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट सेक्शन,
इसको स्टार्ट करने से पहले आपका रोल क्या होगा? क्योंकि बच्चों का पहला सवाल ये होता है, मैम आर वी सपोज टू मेंटेन नोट्स, हमें क्या कुछ लिखना है, हमें क्या कुछ नहीं लिखना है, ठीक है? तो क्या आपको करना चाहिए? ऑफ कोर्स आई कैन नॉट फोर्स यू एट फाइनल लेवल, आपका अपना एक तरीका होता है व्हिच आई ट्रूली अप्रिशिएट, बट आई कैन डेफिनेटली सजेस्ट यू दैट व्हाट यू हैव टू डू, या आपको क्या करना चाहिए व्हिच इज गोइंग टू बी बेस्ट फॉर यू। टेक अ हाइलाइटर, हाइलाइटर मस्ट है, ठीक है? हर एक जगह पब्लिक कंपनी मिनिमम 3 डायरेक्टर आपको, यहाँ पे तो आपको एक चार्ट फॉर्म में दिख रहा है तो बड़ा अट्रैक्टिव सा लग रहा होगा, देखते ही ऐसे रिवाइज हो जाएगा, बट जब आप ऐसे पढ़ोगे ना तो आपके लिए हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी होगा, विच विल हेल्प यू इन रिवाइजिंग थिंग्स। सेकेंडली, शॉर्ट नोट्स हर एक बच्चे को बनाने चाहिए, हर एक स्टूडेंट को, दैट इज़ व्हाट आई सिंसियरली बिलीव। आप नोट्स बनाते हो तो आप लिखते हो, आपकी प्रैक्टिस होती है, प्लस इट ऑल्सो हेल्प्स यू इन रिविजन। बट ओइंग टू द टाइम कॉन्स्ट्रेंट, मुझे पता है कि आप लोगों के पास बहुत सारा टाइम कॉन्स्ट्रेंट होता है, तो आप इतने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हर एक सेक्शन के नोट्स नहीं बना पाओगे, कुछ ना कुछ तो छूटता ही छूटता है, इसलिए मैंने आपको पूरे चार्ट्स दिए हैं। अब जब आपको चार्ट्स मिले हैं तो आपको नोट्स नहीं बनाने की ज़रूरत है, नो शॉर्ट नोट्स नीडेड फॉर योर एंड। बट पहला पॉइंट, अगर लॉ के क्लास में कुछ लिखोगे नहीं, नींद आएगी, ठीक है? बिकॉज यू हैव टू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन द क्लास, तो आपको क्या करना है, मैम हमें क्या लिखना है, आप इन चार्ट्स में ही जो जो चीज़ें मैं लिखाती जाऊंगी या जो जो चीज़ें मैं इधर उधर लिखती हूँ, कहीं एग्जाम्पल लिखती हूँ, कहीं कुछ लिखती हूँ, तो वो आप लिखते रहो। एक रफ कॉपी आपकी रहेगी, रफ कॉपी मतलब ऊपर आपने हेडिंग डाली ऐसे, सेक्शन नंबर 149, जैसे मैंने दिया एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये चार लोग थे, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, आप इस तरीके से लिखिए, अपने रफ एग्जाम्पल्स लिखिए, इस तरीके से लिखिए कि कहीं अगर आप फ्यूचर में फंसे तो आप ये कॉपी ओपन करके देख सके, फॉर दैट, नॉट फॉर द रिविजन पर्पस। सेकेंडली, जो क्वेश्चन बैंक मैंने आपको दिया है इसमें आंसर लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि इसका आंसर आपको लिखने की जरूरत है, पर जो आपने रफ कॉपी बनाई है उसमें आपको हर एक आंसर प्रैक्टिस करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप जैसे ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपने कहा कि क्वेश्चन 1 इसका आंसर यू विल राइट इट विद मी, मतलब मैं वर्ड बाय वर्ड आपको डिक्टेट करके लिखवाने वाली नहीं हूँ, पर जब हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब आपको लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है लर्निंग का, विच 95% स्टूडेंट्स स्किप करते हैं, और जो 5% लिख लेते हैं ना, दे आर द वंस जो लॉ में 80 और 75 इस तरीके के नंबर उनके आते हैं। तो राइट फ्रॉम दी स्टार्ट, क्योंकि अभी आपके पास फिर भी टाइम होगा, बाद में आपके पास और कम टाइम होता है, और अभी इसीलिए हम एक ऐसा चैप्टर कर रहे हैं, हमने एक ऐसा चैप्टर पिकअप किया है जिससे बहुत एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू प्रैक्टिस योर राइटिंग स्किल्स। तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी, यू हैव टू राइट विद मी, राइट? तो आपके पास एक रफ कॉपी आपकी होनी चाहिए, आपके पास एक हाइलाइटर होना चाहिए, आपके पास आपकी चार्ट बुक हैंडी होनी चाहिए, और आपके पास आपकी मेन बुक हैंडी होनी चाहिए व्हिच इज बीइंग गिवन टू यू, राइट? तो ये इतनी चीज़ें, एंड ऑफ कोर्स द क्वेश्चन बैंक ऑल्सो, ठीक है? तो ये इतनी चीज़ें लेके आप पढ़ने बैठोगे, यू विल कीप हाइलाइटिंग इन बुक, यू विल कीप राइटिंग वट एवर एग्जाम्पल्स हैव बीन टोल्ड, वट एवर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा थिंग कुछ बताए, चार्ट में लिखना है, ठीक है, या मेन बुक में लिखना है, आपको जो एग्जाम्पल्स बताए वो आप अपनी रफ कॉपी में लिखेंगे, प्लस आप आंसर्स को अपनी रफ कॉपी में प्रैक्टिस करते रहेंगे। रफ कॉपी इज नॉट समथिंग दैट यू विल नीड इट ड्यूरिंग रिविजन, आपका रिविजन आपकी चार्ट बुक और आपकी मेन बुक से हो जाएगा, ठीक है? चलो लेट्स नाउ स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट सेक्शन। कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स,
सेक्शन नंबर 149। मैंने आपको बताया डायरेक्टर्स हम क्यों अपॉइंट करते हैं। एक तो डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की ज़रूरत है भाई, कंपनी कैसे मैनेज होगी। दूसरा, कंपनीज एक्ट मैंडेटरी करती है, बोलती है डायरेक्टर तो अपॉइंट करना ही करना पड़ेगा। यू डोंट हैव अ चॉइस, यू हैव टू अपॉइंट डायरेक्टर्स। ठीक है मैम, तो हमें डायरेक्टर अपॉइंट करना है। हम कैसे अपॉइंट करते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर? द प्रोसीजर इज नॉट गिवन ओवर हियर। इनफैक्ट आप यहां लिख सकते हो दैट प्रोसीजर टू अपॉइंट इज गिवन अंडर सेक्शन 152। हम कैसे डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, ये प्रोसीजर हमें यहां नहीं मिलता है, हमें मिलता है सेक्शन नंबर 152 में। ठीक है, सेक्शन 149 में हमें क्या मिलता है मैम, कम से कम कितने डायरेक्टर चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितने डायरेक्टर होने चाहिए। बिकॉज आई टोल्ड यू टू मेनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ, राइट? तो बहुत सारे डायरेक्टर्स को भी हम नहीं रखते हैं। आप डेलीगेट करिए काम, आप एम्प्लॉयज को हायर करिए, बट बहुत सारे डायरेक्टर्स मत रखिए, और कम से कम इतने तो होने ही चाहिए। ये पहला प्रोविजन एक ऐसा प्रोविजन है विच आई थिंक एवरी स्टूडेंट वुड नो। वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1, 2, 3, 1, 2 and 3, ये मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो होने चाहिए। एक बच्चों के मन में कंफ्यूजन ये होता है कि मैम वन पर्सन कंपनी में एक ही मेंबर होता है, मिनिमम भी वन मैक्सिमम भी वन। तो वैसे ही डायरेक्टर भी एक ही होता है, मिनिमम भी वन मैक्सिमम भी वन। ये कंफ्यूजन, ये कंसेप्शन दिमाग से निकाल दो। हर कंपनी के लिए लिखा है कि मैक्सिमम डायरेक्टर कितने होंगे, 15। मैक्सिमम डायरेक्टर कितने होंगे, 15। ठीक है, समझ में आ गया मैम। मिनिमम वन डायरेक्टर होंगे, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होंगे। मिनिमम वन ओपीसी में, मिनिमम 2 प्राइवेट में, मिनिमम 3 पब्लिक में। सिंपल सी बात, मैंने एक कंपनी बनाई, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि मेरी कंपनी बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है, कम से कम इसकी 50 ब्रांच हो चुकी हैं, बहुत 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 बड़ी कंपनी बन गई है। मैंने कहा यार कितना भी इम्प्लॉयज को आप हायर कर लो, कुछ भी कर लो, वी नीड डायरेक्टर्स। हमें बहुत सारे डायरेक्टर्स चाहिए जो कंपनी को दिशा दे, कंपनी को डायरेक्ट करे, कंपनी को मैनेज करे, है ना। तो हमें तो और डायरेक्टर चाहिए, 15 डायरेक्टर में हमारा तो काम ही नहीं हो रहा, हमको तो कम से कम 20 डायरेक्टर्स चाहिए। कंपनीज एक्ट ने बोला नहीं नहीं ये तो नहीं हो पाएगा, 15 डायरेक्टर्स ही अलाउड है। सेक्शन नंबर 149(1) में लिखा हुआ है कि हर कंपनी में डायरेक्टर्स होने चाहिए और कम से कम इतने और ज़्यादा से ज़्यादा 15 ही हो सकते हैं। तो आप तो ये नहीं कर सकते हो, कहीं यार ये तो गलत बात है ना, हमारी कंपनी एक्सपैंड कर रही है, आप तो हमें रोक रहे हो, हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं रोक रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, बिजनेस तो नहीं रुकना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, अगर आपके मेंबर्स कंपनी में डायरेक्टर्स भी होते हैं और मेंबर्स भी होते हैं, तो अगर आपके मेंबर्स इस बात से एग्री करें कि आप डायरेक्टर 20 रख लो तो आप रख लो, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो हमने कहा कि ठीक है, आउट ऑफ इफ आई हैव सपोजली 200 मेंबर्स, आई वुड से 120 मेंबर्स एग्री। उन्होंने कहा ना ये तो नहीं चल पाएगा, हमें SR चाहिए, मतलब हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, हमें 3/4 मेजॉरिटी चाहिए। SR मतलब क्या होता है, SR मतलब क्या होता है, वोट्स इन फेवर इज मोर दैन और इक्वल टू 3 times वोट्स अगेंस्ट। मतलब वो मेंबर्स जो आते हैं और वोट करते हैं, ना कि कितने मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स जो आते हैं और वोट करते हैं, कितने वोट हुए, हम उसमें देखते हैं कि जो हमारे वोट्स फेवर में आए वो कम से कम 3 times होने चाहिए जो वोट्स अगेंस्ट आए थे, तब हम बोलते हैं कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है। एंड जनरल लिमिट इज दैट मिनिमम 1 director, 2 director एंड 3 director एज इन केस ऑफ OPC, प्राइवेट एंड पब्लिक, एंड मैक्सिमम 15 directors इन केस ऑफ ऑल कंपनीज।
पर कंपनी चाहे तो इस लिमिट को इंक्रीज कर सकती है अपने मेंबर्स से पूछ के बायपासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब मेंबर्स को बुलाएंगे, जनरल मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है एंड तब आप चाहो तो 15 की जगह 20 मेंबर्स 20 डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट कर सकते हो। अब उसके बाद कोई लिमिट नहीं दी हुई है, इसके बाद कोई लिमिट नहीं दी हुई है कि मैक्सिमम इतने और अपॉइंट किए जा सकते हैं, ऐसी कोई लिमिट हमें नहीं दी हुई है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई, चलो ओके। सो आई थिंक दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एवरी कंपनी शैल हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हर कंपनी के पास अपना एक बोर्ड होगा कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल्स एज डायरेक्टर्स। देखो, क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स नहीं होल्ड कर सकती क्या? बिल्कुल कर सकती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर हो सकती है। अब इस कंपनी ने बोला कि भाई जैसे मिस्टर ए आपकी कंपनी के मेंबर हैं, जैसे शिवांगी आपकी कंपनी की मेंबर है, इन दोनों को आपने डायरेक्टर बनाया, आप मुझे भी डायरेक्टर बना दो। हमने कहा बेटा, एक आर्टिफिशियल पर्सन को मैनेज करने के लिए, कोई दिशा देने के लिए, कोई डायरेक्ट करने के लिए हम आपको अपॉइंट करें, फिर आपको दिशा कौन देगा? कोई और? ना 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 ना, माफ करो। तो क्लियर कट किया गया कि कोई बॉडी, कॉर्पोरेट, ट्रस्ट, ये वो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप तो खैर मेंबर भी नहीं होती है, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी अदर देन इंडिविजुअल डायरेक्टर नहीं हो सकता। डायरेक्टर इंडिविजुअल ही होगा, डायरेक्टर क्या होंगे? इंडिविजुअल ही होंगे। ठीक है, दिस इज क्लियर, आई थिंक इतनी बात क्लियर है। चलो, सो दस एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल लाइक अ बॉडी, कॉर्पोरेट, फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, दे कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। ठीक है, नाउ ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन नंबर 149(1). एक वर्ड यहां पे आया है प्रोवाइजो, एक वर्ड यहां पे आया है प्रोवाइजो। इससे पहले आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू, अगर लिखा हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 20 और ऐसे अभी हमने लिखा 149(1), मैम इस वन को आप पढ़ रही हैं सब सेक्शन, पर इस 20 को आप पढ़ रही हैं क्लॉज, तो ये क्या कुछ आपको पता है इसलिए आप ऐसे पढ़ रही हैं, या व्हाट इज द डिफरेंस, हाउ डू वी रीड इट? मान लीजिए हमें ये तो पता है, आपने बता दिया, कोई नई एक्ट अगर हम पढ़ें तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब क्लॉज है और कब सब सेक्शन है? राइट, सो देअर इज अ ह्यूज डिफरेंस, नॉट अ वेरी ह्यूज डिफरेंस, बट हाँ डिफरेंस होता है। क्लॉजेस जो होते हैं वो हमारे इंडिविजुअल विदाउट एनी कनेक्शन बिटवीन देम होते हैं, ठीक है, एंड हमारे पास एक बेस लाइन होती है। खैर, इतनी चीज़ें मैं आपको बताने से अच्छा, इफ इफ यू वॉन्ट टू सी दिस डिफरेंस, एक यूट्यूब पे मेरा वीडियो डला हुआ है डिफरेंस बिटवीन सब सेक्शन एंड क्लॉज, आप वो देखो, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इफ यू वॉन्ट टू सी दैट राइट। तो हमारे पास इन रीड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक्ट में हमें बहुत चीज़ें मिलती हैं, वी हैव द मेन प्रोविजन, हमारे पास एक्ट की एक्ट, जैसे हमारी कंपनीज एक्ट है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स राइट, वी नो दैट इट इज़ डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स। चैप्टर्स में फर्दर कुछ कुछ सेक्शंस हैं, क्लब करके एक एक चैप्टर में हमने डाला हुआ है। हमारे पास हर सेक्शन की हेडिंग होती है, मार्जिनल हेडिंग्स उसको बोलते हैं। तो हमारे पास सेक्शन की हेडिंग होती है, हेडिंग बस एक आइडिया देती है कि हाँ ये सेक्शन में ये है। जैसे हमने सेक्शन नंबर 149 का बोला कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, अब उसमें बहुत सारी बातें लिखी है, मिनिमम इतने होंगे, मैक्सिमम इतने होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे, वुमेन होगा, रेसिडेंट होगा, बहुत सारी बातें लिखी हुई है। तो सारी चीज़ें हमारी हेडिंग में नहीं आ जाती हैं, ये हेडिंग होती है हमारी। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा सेक्शन का मेन प्रोविजन होता है, वो सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, बहुत सारी चीज़ों में एक्सप्लेनेशन, बहुत सब चीज़ें रहती हैं। इस प्रोविजन में ये पूरा का पूरा प्रोविजन हुआ,
इस प्रोविजन में कभी कभी ऐसा लिखा होता है प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होंगे, प्रोवाइडेड दैट कंपनी 15 से ज्यादा डायरेक्टर भी अपॉइंट कर सकती है अगर एसआर पास किया तो। ऊपर लिखे हुए प्रोविजन का एक्सेप्शन क्रिएट किया है इस प्रोविजो ने। कभी कभी एक्सेप्शन नहीं भी क्रिएट होता है, सिर्फ एक एडिशनल बातें होती हैं, बट मोस्टली क्या होता है एक्सेप्शन, मतलब ऊपर दी हुई बात तो है ही है, ये एक एक्सेप्शन है। सो प्रोवाइजो एक्चुअली क्रिएट्स एन एक्सेप्शन और इट एट टाइम्स क्रिएट्स एन एडिशन ऑल्सो, आई वुड से। ठीक है, तो वो अभी हम जब पढ़ेंगे तो आई विल टेल यू। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 149 सब सेक्शन 1, ऑल्दो यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर सब सेक्शंस, आपको बिल्कुल याद नहीं करने हैं। मैम कौन से सेक्शन नंबर हमें याद करने हैं? एट चैप्टर एंड में आपको बताऊंगी कि ये लिस्ट ऑफ सेक्शन नंबर्स है विच आर मस्ट लर्न, तो वो सेक्शन नंबर तो आपको याद करने ही करने हैं। ठीक है, अभी हमारी कोशिश रहेगी कि हमें सारे याद हो जाए। अभी मैं बता दूंगी ये याद करना है ये नहीं करना है ना, तो जिसको बोल दिया नहीं करना वो तो आप कोशिश ही नहीं करोगे। तो चैप्टर के एंड पे आई गिव यू अ लिस्ट कि ये सेक्शन नंबर इस चैप्टर से याद होने चाहिए। ठीक है, चलो। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हर कंपनी का होना जरूरी है, इंडिविजुअल ही डायरेक्टर बनेगा, कम से कम इतने, ज्यादा से ज्यादा इतने। आप ज्यादा से ज्यादा को बढ़ा भी सकते हो बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, अ कंपनी में अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर्स आफ्टर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, तो ये हमारा एक प्रोवाइजो हो गया, एक एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, विच इज बींग क्रिएटेड, विच इज बींग क्रिएटेड। अब सुनिएगा मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गवर्नमेंट कंपनी को वैसे भी बहुत सारे एग्जेम्पशंस मिलते हैं। हम बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी कोई रहती है ना तो उसमें 4 लोग होते हैं, गवर्नमेंट कंपनी में शायद 40 लोग होते हैं सेम काम करने के लिए। प्राइवेट सेक्टर में बड़ा एक्सप्लॉइट किया जाता है ना एम्प्लॉयज को, तो वही गवर्नमेंट सेक्टर में काम इतना है लोग इतने हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता है? एटलीस्ट ऐसा मिसकंसेप्शन तो है ना दिमाग में, तो ये आइडिया है ये सरकारी विभाग है तो इतने लोग होंगे पर काम इतना सा होगा, काम कर नहीं रहे होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तो आप समझिए क्या इनका 15 डायरेक्टर से काम चलेगा? हमने कहा चलो आपके ऊपर ना ये लिमिट ही नहीं लगाते, आपके ऊपर कोई लिमिट ही नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट कंपनी हो आप 50 डायरेक्टर रखिए, आपकी मर्जी। मतलब मैम एसआर वैसा कुछ नहीं पास करना पड़ेगा? ना ना ना, इनके ऊपर लिमिट ही नहीं है ना, तो लिमिट है मैक्सिमम की, तो और जब लिमिट ही नहीं है तो एसआर की तो खैर बात ही नहीं आती है। तो हमने कहा अगर आप गवर्नमेंट कंपनी हो ना रखो, जितने रखने हैं उतने रखो, प्लस अगर आप सेक्शन 8 कंपनी हो। सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है? यहाँ पे आप लिख लीजिए, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है, प्रॉफिट कमाना उसका काम नहीं होता है, जो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए बनती है। इन कंपनीज को भी बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, क्यों? क्योंकि आप भाई चैरिटी कर रहे हो, आप भलाई का काम कर रहे हो, कहीं स्पोर्ट्स प्रमोट कर रहे हो, कहीं एजुकेशन प्रमोट कर रहे हो, तो गवर्नमेंट भी आपको थोड़ा तो फायदा दे देगी ना। तो हमने कहा अब जब भी मैं यूज करती हूँ ना टर्म गवर्नमेंट, डजेंट मीन गेट गवर्नमेंट ने एक्ट बनाई, कंफ्यूज कहीं नहीं होना। पार्लियामेंट मेक्स द एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दिया एक्ट बनाने की। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इनफैक्ट हमें एंट्रीज मिलती हैं, राइट? स्टेट लेवल कुछ मैटर्स पे पार्लियामेंट लॉज बना सकता है, कुछ मैटर पे स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, मतलब हमारी जो स्टेट लेजिस्लेटिव होता है, स्टेट लेजिस्लेचर होता है, एंड कुछ लॉज पे कुछ मैटर्स पे मिक्स होता है, राइट? वी हैव यूनियन लिस्ट, वी हैव स्टेट लिस्ट, वी हैव कॉन्करेंट लिस्ट, सब चीज़ें पता है ना। तो यूनियन लिस्ट मतलब सेंट्रल मैटर्स पे सेंट्रल पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने की। तो जब भी मैं बोल रही हूँ गवर्नमेंट, दैट मीन्स मैं वही रेफर कर रही हूँ, फाइन? तो ये कंपनीज क्योंकि चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए बनी हुई हैं, हमने कहा कि इनको भी फायदा दे दो।
आप भी चाहें जितने मर्जी डायरेक्टर्स अपॉइंट कर लीजिए, पर आपने दो फाइलिंग कर रखी हो। हमें एनुअली कोई भी कंपनी हो, दिस इज समथिंग दैट यू हैव रेड बिफोर, हाँ, आप कोई भी कंपनी हो, एक सेक्शन 92 का एनुअल रिटर्न, एक सेक्शन 137 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल फर्निश करनी होती है, आरओसी को देनी ही देनी होती है। अगर नहीं दी तो मतलब हमने डिफॉल्ट किया है फाइलिंग में। अगर हमने डिफॉल्ट किया है फाइलिंग में तो हमारे सारे एग्जेम्पशंस जो नोटिफिकेशन के थ्रू मिले हैं सब छिल जाते हैं। तो फाइलिंग तो एकदम अप टू डेट रखनी है, तभी एग्जेम्पशन मिलेगा। तो अगर हमारी फाइलिंग अप टू डेट है, हमने कोई डिफॉल्ट नहीं कमिट किया है इन दो फाइलिंग्स में, तो व्हाट वी कैन डू इज वी गेट दिस एग्जेम्पशन। तो हमको एक एग्जेम्पशन मिल जाता है कि मैक्सिमम डायरेक्टर्स का ये वाला जो पार्ट है ये हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होता है, ये हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ये एक कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सो वी हैव 10 डायरेक्टर्स इस पर्टिकुलर कंपनी में हैं। ठीक है, हम मैक्सिमम कितने अपॉइंट कर सकते हैं, 15, बट इस कंपनी के जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है ना उसमें लिखा है कि मैक्सिमम डायरेक्टर्स which may be appointed is equal to 11. Lo baba, articles of association कंपनी अपने इंटरनल रूल्स बना सकती है ना, आप एक्ट के खिलाफ नहीं जा सकते हो, आप कंपनीज एक्ट को कॉन्ट्रवीन नहीं कर सकते हो, बट उसके तहत तो आप रूल्स बना ही सकते हो। तो आपने रूल बनाया हुआ है, ये आपने रूल बनाया हुआ है कि हमारी कंपनी में तो मैक्सिमम हम 11 ही डायरेक्टर्स रखेंगे, आप बिल्कुल रख सकते हो, दिस इज नॉट कॉन्ट्रोवेंशन ना। अगर आपने 11 रखा है तो कॉन्ट्रोवेंशन हुआ क्या? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। तो आपने ये रूल रखा हुआ है। अब मान लीजिए हमें, अब मान लीजिए लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मुझे 13 डायरेक्टर्स अपॉइंट करना है, एक्ट मुझे इजाजत देती है, परमिशन देती है 15 डायरेक्टर तक अपॉइंट करने का, पर मेरे आर्टिकल्स मुझे परमिट नहीं कर रहे हैं, तो मतलब मुझे इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को बदलना पड़ेगा, ऑल्टर करना पड़ेगा। अगर मुझे अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑल्टर करने होते हैं तो सेक्शन नंबर 14 के हिसाब से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आई कैन ऑल्टर दिस। तो मतलब ये मैंने ऑल्टर किया और मैंने इसको मे बी कर दिया कि मैक्सिमम डायरेक्टर्स विच मे बी अपॉइंटेड इज 15, उससे ज़्यादा मैं नहीं लिख सकती क्योंकि वो एक्ट का कॉन्ट्रवेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 15 कर दिया, क्या मैंने ये क्लॉज ही नहीं लिखा। ठीक है, तो 15 हो गया। अब मैं 13 डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती हूँ। सपोजेडली नाउ आई वॉन्ट टू अपॉइंट 17 डायरेक्टर्स, सो नाउ अगेन SR इज नीडेड, बट नॉट टू ऑल्टर माई आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बट टू इंक्रीज दिस लिमिट। राइट, आप समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो? तो ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अभी हम इसका क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, देन वी विल हैव मोर क्लैरिटी अबाउट इट, राइट? तो सेक्शन नंबर 149 सब सेक्शन 1 में हमने क्या पढ़ा अभी तक, एक क्विक रिकॉल करते हैं एंड ट्राई टू रिपीट विद मी। ठीक है, प्रॉम्प्ट करना बहुत जरूरी है। आई हैव सेड दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स टू ऑल माय स्टूडेंट्स, डायरेक्टर जरूरी है कंपनी में, हर कंपनी में डायरेक्टर होगा, कम से कम कितना होगा, 1% कंपनी में 1, प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में 3। ठीक है, कौन हो सकता है डायरेक्टर? इंडिविजुअल्स ही डायरेक्टर बन सकते हैं,
मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? 15. क्या इसको हम बढ़ा सकते हैं? येस, दिस लिमिट कैन बी इंक्रीज्ड बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन. ये जो मैक्सिमम डायरेक्टर की लिमिट होती है और उनका इंक्रीज, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी एज वेल एज सेक्शन 8 कंपनी इफ दे हैव नॉट कमिटेड डिफॉल्ट ऑफ फाइलिंग. ठीक है, इफ दे हैव नॉट कमिटेड डिफॉल्ट ऑफ फाइलिंग. ठीक है, इतनी बात समझ में आई. इसके बाद हमने एक बात और समझी. एक बात और क्या समझी कि अगर हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ कम लिमिट लिखी हुई है तो हमें उसको बढ़ाने के लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. इसके रिस्पेक्ट में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो यू विल हैव मोर क्लैरिटी, राइट? तो ये अभी तक हमने सेक्शन में पढ़ा है. इसके अलावा आज के डायरेक्टर्स के चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? We have started with appointment and qualification of director, जिसमें section 149 से section number 172 तक होता है. Although director के सारे provisions हमको सिर्फ इस chapter में नहीं मिलते हैं, we have the chapter of board meetings, section 173 से 195 तक, plus we have appointment and remuneration of managerial personnel starting from section 196 to 205 तक. तो ये सब मिला के हमें although director के सारे provision मिलते हैं, but we have started with the फर्स्ट चैप्टर रिलेटिंग टू डायरेक्टर्स. ठीक है मैम, इसमें हमने पढ़ा डायरेक्टर कौन होता है, सेक्शन 2 क्लॉज 34 में जिसको अपॉइंट किया जाता है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है? कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर्स. दो डिसीजन मेकिंग पावर्स या अथॉरिटीज होती हैं हमारी कंपनीज में. एक होती हैं शेयर होल्डर्स और एक होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. शेयर होल्डर्स कंपनी को मैनेज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, एंड दे आर अकाउंटेबल टू द मेंबर्स. दे आर अकाउंटेबल टू द मेंबर्स, राइट? दो तरीके के डायरेक्टर्स हमने पढ़े, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होते हैं उनको सैलरी मिलती है, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जिनका पूरा रोल नहीं होता है बट दे हैव अ काइंड ऑफ यू कैन से सुपरवाइजरी रोल. वो अपनी एक्सपर्टीज लेके आते हैं, एडवाइस करते हैं कंपनी को. एंड एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जिनके बारे में अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है, सो हमने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है. इनको हम सैलरी नहीं देते हैं, वी गिव अ कमीशन टू देम, राइट? सो इतनी बातें हमें पता चल गई. सेक्शन 149 हमने बिगिन किया था और उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. सेक्शन 149 में आप अभी जब पढ़ोगे ना तो हमें चार चीज़ें पढ़नी है. हमें चार चीज़ें पढ़नी हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम डायरेक्टर्स. मिनिमम एंड मैक्सिमम डायरेक्टर्स हमें पढ़ना है. अबाउट वुमेन डायरेक्टर हमें पढ़ना है. अबाउट रेसिडेंट डायरेक्टर एंड वी ऑल्सो हैव टू रीड अबाउट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, हमें इतना पढ़ना है. सेक्शन 149 में कोई भी कंपनी एग्जेम्प्टेड नहीं है, मतलब हर कंपनी छोटी बड़ी प्राइवेट पब्लिक स्मॉल ओपीसी कोई भी हो, डायरेक्टर होना ज़रूरी है. ठीक है, बस इस लिमिट के लिए हमारे पास ये एग्जेम्प्शन है. नो अदर एग्जेम्प्शन अवेलेबल टू एनी अदर टाइप ऑफ कंपनीज, राइट? यहाँ पे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का जो पॉइंट है जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है दैट वी विल डिस्कस विद अ क्वेश्चन, ठीक है, और वहाँ पे मैं आपको वो नोटिंग भी कराऊंगी, फाइन? बट रैपिंग द क्लास हियर इटसेल्फ, नेक्स्ट क्लास जब हम बिगिन करेंगे देन वी विल स्टार्ट विद अ क्वेश्चन एंड वी विल प्रोसीड विद वुमेन डायरेक्टर, फाइन? थैंक यू.